जो जो असाइनमेंट में जो डाउट्स हैं वो आप देखो. आप इफ डेल्टा इज इक्वल टू आवाज नहीं बच्चों इस समय 1 sin x 1 हो गया 1 sin x 1 -sin x 1 sin x -1 है ना बच्चों -1 -sin x और 1. और मुझे क्या प्रूव करने हैं बच्चों साथ साथ नोट कर लो 2 < δ > 4 मुझे प्रूव करना. सही बच्चे क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लेंगे. अब सबसे पहले देखो आप बच्चों इसको मुझे एक्सपेंड करना है और मुझे प्रूव करना है कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में लाई करती है. कैसे प्रूव करेंगे वो आप देखो. सबसे पहले एक्सपेंड करो बच्चों इसको. आप एक्सपेंड कैसे करते हैं प्लस माइनस प्लस लेकर एक्सपेंड करना प्लस माइनस प्लस लेकर आप एक्सपेंड कर दो तो 1 × 1 से मल्टीप्लाई करो. अब तो बड़े हो गए ना बच्चे तुम. अब मैं डायड कर रहा हूँ 1 + sin² x माइनस साइन एक्स और फिर बच्चों इस पर ऐसे याद कर दो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स 0 हो जाएगा बच्चों. फिर प्लस 1 के साथ आएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस वन -sin x × -sin x sin² x + 1. अभी क्या बन गया बच्चों ये तो 0 हो गया ये तो खत्म हो गया. साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या बन गया 2 sin² x और 1 + 1 क्या बन गया बच्चों 2 बन गया. कोई डाउट 2 sin² x + 2 बन गया. इट्स ओके. अब हमारा क्वेश्चन क्या है हमें प्रूव करने है कि जो डेल्टा है वो 2 और 4 के बीच में लाई करता है. तो इससे हम कैसे करेंगे बोर्ड पर देखना बच्चों आप. वी नो दैट साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 और 1. बोलो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स always lies between -1 and 1. The value of sin x and cos x always lies between -1 and 1. Clear? सभी को याद रहेगा sin x और cos x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाइक करती है. जब मैं इसका स्क्वेरिंग करूंगा ना बच्चों खास ध्यान देना बच्चों आप जब मैं इसका स्क्वेरिंग करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों 1 है 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस खत्म हो जाएगा ना बच्चों माइनस स्क्वायर तो प्लस होते हैं राइट. तो जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. ये रूल्स याद रखना 0 < =sin² x > 1 यहां तक क्लियर हो गया. अब आप क्या करो एडिंग नहीं अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप. अब यहाँ पर 0 < =sin² x > 1 आ गया. मुझे चाहिए देखो 2. पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पर बच्चों 0 रहेगा और < = 2 sin² x > 2 आ जाएगा. 2 sin² x मिल गया हमें. अब प्लस 2 कर दो एडिंग 2 बच्चों अब दोनों तरफ 2 प्लस कर दो तो यहाँ पर 0 + 2 क्या हो जाएगा 2 sin² x और प्लस में क्या हो गया 2 < =2 + 2 क्या होगा 4 hence proof. तो आपने प्रूव कर दिया कि जो इसकी वैल्यू है जो डेल्टा की वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में लाई करती है. आपने प्रूव कर hence proof. ठीक है अब आप मुझसे पूछ यस ध्यान से देखना बच्चों आप f(x = cos x 0 sin x 0 1 0 -sin x 0 cos x और मुझे प्रूव करना है f(x)(−x) ये मुझे प्रूव करना है. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस LHS में ध्यान से देखो मुझे इसका इनवर्स निकालना है और इनवर्स निकालना है तो मुझे इसे 2 फैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. RHS को तो बाद में सोचेंगे. एक काम करो कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स नहीं है. सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालो. इसका डिटरमिनेंट बच्चों एक्सपेंड कर दो आप प्लस माइनस प्लस लेकर cos x 1 × cos x क्या हो जाएगा बच्चों cos x फिर 0 वाला मैं लूंगा नहीं और फिर प्लस में sin x वाला लूंगा मैं और ये दिस इनटू 0 और प्लस का sin x राइट. cos² x + sin² x क्या हो गया पर तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो गई. ठीक है अब सभी बच्चे मुझे बताओ इसका कोफैक्टर C11, C12,
C13, C21, C22 तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा समझ लो, C23, C31, C32, C33 सभी के कोफैक्टर्स बताओ। इन बच्चों करने करो बच्चों करो, इन सभी के कोफैक्टर्स निकालो, इसी बहाने होमवर्क भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा तुम्हें जल्दी से कोफैक्टर्स निकालो। आते हैं ना आरती, है ना? करो बच्चों, यहाँ पर प्लस रहेगी आरती, तुझे पता है शॉर्टकट, यहाँ प्लस, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन देने के बाद 1 × cos x क्या हो जाएगा, cos x। ऐसे बच्चों मुझे सारे निकाल कर दो, सभी के कोफैक्टर्स निकालो, फिर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बन। चलिए बच्चों अब बताओ मुझे C12 क्या आ रहा है बच्चों, और C13 sin x, और C21 0, और C22, और फिर उसके बाद फिर माइनस sin x, फिर 0, और फिर cos x। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या करूंगा मैं, ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना? तो सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो cos x 0, sin x 0, 1 0, माइनस sin x 0 और cos x। अब एडजॉइंट क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ f ऑफ x होगा इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बनाओ, ठीक है? अब इसका इनवर्स बच्चों, अब हम LHS लेंगे, LHS बच्चों मेरे पास है f ऑफ x होल इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ f ऑफ x और डिटरमिनेंट ऑफ f ऑफ x। ये बच्चों एडजॉइंट ऑफ f ऑफ x और डिटरमिनेंट ऑफ f ऑफ x क्या है बच्चों, 1, और ये वाली मैट्रिक्स cos x 0 sin x जो कोफैक्टर एडजॉइंट आया जो हमारा आपको माइनस sin x, और फिर यहां पर है 0 1 0, और फिर है बच्चों sin x 0 और cos x, क्लियर? ये हमारा LHS आ गया। अब आप RHS को देखो, RHS है f ऑफ माइनस x, क्लियर? 10th क्लास का बच्चों रूल्स है, 10th क्लास 11th क्लास के, कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, sec और cos में से माइनस sin डिसअपीयर होता है। सुनो बच्चों इधर, sec और cos में से माइनस sin डिसअपीयर हो जाते हैं, तो बाकी सभी में से माइनस sin बाहर आ जाते हैं। sec और cos में से माइनस sin डिसअपीयर हो जाते हैं, बाकी सभी में से माइनस sin बाहर आ जाते हैं। तो बच्चों क्या करो, f ऑफ x है ये, रिप्लेस x बाय माइनस x, तो जहां भी x है वहां पर माइनस x लगाओ, cos माइनस x 0, sin माइनस x फिर यहां पर 0 1 0, और यहां पर माइनस ऑफ sin ऑफ माइनस x 0 cos माइनस x, ये RHS का मतलब है। अब मुझे एक बात बताओ, cos माइनस x क्या बन जाएगा बच्चों, cos x 0, sin माइनस x में से माइनस बाहर आ जाएगा, फिर यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां माइनस बाहर आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये माइनस डिसअपीयर हो जाएगा, तो आपका बच्चों इसको जब सोल्व करोगे आप तो हैंस प्रूव है, ठीक है ना? आप इसको सोल्व कर लेना और एच पी लिख देना हैंस प्रूव, LHS इक्वल टू RHS। उस फॉर्मूले को देखो आप, कॉस के एंगल में से माइनस साइन बाहर नहीं आता, सेक में से बाहर नहीं आता, बाकी सभी में से आ जाते हैं, तो आपकी LHS RHS सेम हो जाएगी। तो ये आप नोट कर लो, फिर इसको रब कर लो। यस बच्चों अब इधर देखो आप, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 1, फाइंड ए बी ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इनटू कैपिटल ए प्लस बी इनटू आई इक्वल टू ओ, दिस इज ओ नल मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो जिन बच्चों ने ये कर लिया बच्चों, ए स्क्वायर स्मॉल ए इनटू ए और बी इनटू आई, ए स्क्वायर बता दो मुझे क्या है, 11 8 4 3, और यहां पर आ जाएगा 3 8 2 8 A, A, और B, B, 0, 0, B, और null matrix होती है बच्चों ऐसे। अब जब तुमने इसको प्लस किया तो 11 प्लस 3A प्लस B और 8 प्लस 2A प्लस 0, और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस A और 3 प्लस A प्लस B,
इज इक्वल टू वी आ रहा है बच्चों, जब तुम कंपेयर करोगे तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 11, 11 उधर चला जाएगा, 8a 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस 4, ये a की वैल्यू माइनस 4 पुट कर दोगे आप तो माइनस का 12 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 11, तो b इज इक्वल टू 1, एनी डाउट? ये आ रहे a माइनस 4 आ रहे और b 1 आ रहे, क्या सभी बच्चों को ये आ रहा था? अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 1 b की वैल्यू 1 इनटू i, तो आपके पास आ गया बच्चों 1 हटाए तो मैं ये आ गया, यहाँ पर मैंने a और b की वैल्यू पुट कर दी है तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ गया। अब लिखा हुआ मैंने हैंस ऑब्टेन a इनवर्स, आज टेस्ट होना था ना, करके दिखाओ, कर लिया सभी ने? हैंस ऑब्टेन a इनवर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, आता है सभी को? मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, तो a इनवर्स इनटू a और फिर बच्चों माइनस 4 a इनवर्स इनटू a प्लस a इनवर्स इनटू i, a इनटू इनवर्स कौन बताएगा? I. और a इनटू इनवर्स बच्चों i, और यहाँ पर a इनवर्स a इनटू i कौन बताएगा? A. लो बच्चों a इनवर्स आ गया, आज की समझ आया? एक इनवर्स हम निकालते हैं कोफैक्टर्स मेथड से, एक इनवर्स निकालते हैं इस मेथड से, राइट? कोफैक्टर मेथड आपने यूज नहीं करना क्योंकि हैंस लिखा हुआ है, तो जल्दी से काम करो आप। ओके बच्चों, अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप a माइनस 4i को उधर ले जाओ, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस a, ठीक है? 4i का मतलब क्या होगा? 4004, और a मैट्रिक्स हमारे पास है 3211, करना बच्चों माइनस a इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस 2 और माइनस 1 और 3, तो आपका आंसर है। तो आपसे पूछा गया था हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो मुश्किल क्या था ये बताओ मुझे, मुश्किल क्या था इस क्वेश्चन में? अच्छा, पर ये क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर। यस बच्चों, आवाज नहीं बच्चों, लिखो आप न्यू टॉपिक न्यू पेज से, बच्चों न्यू टॉपिक न्यू पेज से लिखो आप सॉल्व इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये टॉपिक है सॉल्व इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। यस बच्चों, रेडी? अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, आवाज बिल्कुल नहीं। मैं यहां पर तीन इक्वेशंस लिखूंगा, उनको हमें सोल्व करना होगा। कैसे? फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5, ये तीन इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। लिखा हुआ है बच्चों यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। एग्जाम में किसी और मेथड से आप सोल्व नहीं करोगे, मैट्रिक्स से यूज करोगे, ना भी लिखा हो तो भी तुम्हारे कोर्स में ये इक्वेशंस मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करने को बोला जाएगा, अंडरस्टूड है? ये नहीं कि तुम एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर दे दो, नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो आप यहां पर लिखोगे, कॉलम मैट्रिक्स में आप एक्स वाई जेड लिखोगे और इज इक्वल टू में कॉलम मैट्रिक्स में ये आएगा 2 1 5, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहां से उठाओगे आप 4 2 3 1 1 1 3 1 माइनस 2, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स कॉलम मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स में ये। ध्यान से सुनना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 बाय 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 बाय 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 बाय 1। अब याद करो मैट्रिक्स का रूल क्या है प्रोडक्ट का, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए। याद करो मैंने ऐसे समझाया था, इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर कैसा आएगा 3 बाय 1 का,
तो 3/1 का देखो सामने, सामने 3/1 का क्लियर। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता है वापिस ऊपर चले जाओ, कैसे करके देखो, फोर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 4x + 2y + 3z = 2। तो मैंने इसको कैसे सेग्रीगेट किया पता चल गया, मैंने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को लिख दिया, कॉलम मैट्रिक्स में मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, कॉलम मैट्रिक्स में मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दी। अब बोर्ड पर देखना है सभी ने, बाद में नोट करना, इसको बोलोगे आप एक्स मैट्रिक्स, नहीं इसको बोलोगे आप ए मैट्रिक्स, इसको बोलोगे आप एक्स मैट्रिक्स, इसको बोलोगे आप बी मैट्रिक्स। तो बताओ ये क्या बन गया बच्चों, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, एक्स मैट्रिक्स, वी हैव सोल, सोल का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, तो एक्स के साथ जो ए है मुझे उसे खत्म करना होगा। तो क्या करूंगा मैं खत्म करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ए इनवर्स इनटू ए, और यहां लेफ्ट में लिख दूंगा ए इनवर्स इनटू ए क्या हो जाएगा बच्चों आई, और आई इनटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों एक्स, पुट आउट, तो आपके पास एक्स आ गया ए इनवर्स इनटू बी। अब मैं ए इनवर्स निकालूंगा कोफैक्टर मेथड से, इसमें निकाल सकते हो कोफैक्टर मेथड, यस। तो आप सभी बच्चे मुझे क्या करोगे, ए इनवर्स निकाल कर दोगे, ये तुम्हारा काम है क्योंकि मैं करवा चुका हूं। कैसे करोगे आप, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स एडजॉइंट, फिर इसकी वैल्यू से डिवाइड, तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो जल्दी से सब बच्चे मुझे ए इनवर्स निकाल कर दो इस मैट्रिक्स का, ए इनवर्स कोफैक्टर्स की हेल्प से। ओके बच्चों निकाल लिए, पर्वत फर्स्ट रो -3 7-1 +5 -17 -1 -1 -2 हाँ -2 -2 +2 +2 और बाहर -1/8 और B मैट्रिक्स है मेरे पास 215। ये बच्चों सभी को, अब सब बच्चे बोर्ड पर देख लेंगे, ये इनवर्स जिस बच्चे ने नहीं निकाला वो अपना मैथ ठीक करे, क्योंकि एग्जाम में कोई हेल्प कैसे करेगा तुम्हारी, आपको कोफैक्टर्स आने चाहिए, एडजॉइंट बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब इतना काम भी अगर नहीं आता तो फिर क्या पढ़ाई करते हो, क्या होमवर्क करते हो। ये x बच्चों तुम्हारे सामने है, मल्टीप्लाई करो, ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/1 की मैट्रिक्स है। जल्दी से बच्चों मुझे, अच्छा x मैट्रिक्स कौन सी है बच्चों, एक्स वाई जेड, किस बच्चे ने इनको मल्टीप्लाई भी कर लिया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो बच्चों, कोई है स्मार्ट बच्चा, यहाँ पर मैं क्या लिखू, -4 -12 8। चेक करो बच्चों, क्रॉस चेक करो जल्दी से, फिर -1/8 से बाहर से डिवाइड भी किया करना है ना, आज तक -1/8 से अंदर तूने डिवाइड भी करना है, अभी करना है। 4/8 हो जाएगा बच्चों 1/2 और 12/8 हो जाएगा बच्चों 3/2 और 8/8 हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो आपकी x की वैल्यू चेक करो बच्चों, क्या ये सही है आंसर, श्योर लॉक कर दूं मैं इसको, क्या चीज माइनस पहले अगर एक, मुझे तो आंसर ये चाहिए, तो पहले माइनस अंदर ले, हाँ बिल्कुल आंसर तो सेम आएगा, ठीक आप चाहे माइनस बाहर रखो या अंदर रखो। अब बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, वाई की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 और जेड की वैल्यू क्या आ रही है -1, ये आपके आंसर है बच्चों। यहां तक मुझे बताओ कि क्या ये आंसर तुम्हारे आ चुके हैं, तुमने किया नहीं, पर्वत कर लूंगा नहीं बेटे, करना होता तो बेटे तो करता ना, अगर तो घर पर नहीं होता कि घर पर कर लूंगा, तो गलत तो क्यों बेस्ड है, देखना अभी जरा इस पर आप ट्रिपल लगा दो, इस क्वेश्चन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स 3/1 7/2 फाइंड इनवर्स
देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड इनवर्स, यूज इट टू सोल्व, यूज इट टू सोल्व 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। यूज इट टू सोल्व, देखो ध्यान से, अगर तुम इस दो इक्वेशंस को इस वाले मेथड से डायरेक्ट सोल्व करते हो तो जीरो मार्क्स देंगे। यूज इट लिखा हुआ है, यूज इट का मतलब है, यूज इट का मतलब है इस इनवर्स का यूज करना, यूज इट का मतलब इस इनवर्स का यूज करना, समझ गए? तो यहां मैं लिख रहा हूं डोंट, यूज इट लिखा हुआ है, यूज इट, डोंट अप्लाई कोफैक्टर्स मेथड, डोंट अप्लाई कोफैक्टर्स मेथड या जॉइंट। एक बच्चा पता है कहते लास्ट ईयर सर आपने लिखा था डोंट अप्लाई कोफैक्टर मेथड, मैंने ना बिना कोफैक्टर मैट्रिक्स में सीधा जॉइंट ले दिया। मैंने कहा पर्पस तो मेरा वही था ना कि कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स या जॉइंट का यूज नहीं करना। ओके राइट, तो बोर्ड पर लिखना बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले फाइंड इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है, ये मैट्रिक्स 2x2 की है राइट, तो जो मेथड है मेरे पास, पर अगर ये मैट्रिक्स 3x3 की होती तो कोफैक्टर्स निकालते, जो अभी तुमने काम किया जिसमें तुम नहीं कामयाब हुए कई बच्चे, 3x3 की मैट्रिक्स कोफैक्टर्स 2x2 में जो मेथड है मेरे पास, तो हम इनवर्स सबसे पहले हम इनवर्स निकालेंगे। कैसे बच्चों, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 3 × 2 = 6 -7 -1। अब एडजॉइंट बताओ बच्चों चोर मेथड से, जल्दी बताओ, -1 -7 और 3। यहाँ तो कोफैक्टर मेथड यूज करेगी, आगे देख, यूज इट टू सोल्व दीज टू इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, फिर जैसे मैंने अभी पहले वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने कोफैक्टर्स मेथड यूज किया ना, यूज इट टू इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए तो कोफैक्टर मेथड यूज नहीं करेगी, ये बताया मैंने। फाइंड द इनवर्स, यहां तुम चोर मेथड, यहां तुम कोफैक्टर्स यूज कर सकते हो, मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन इसका यूज करके इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, इसका यूज करके इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ओके okay? अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप इसका ए इनवर्स क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, -2 इसका ए इनवर्स आएगा एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ए, माइनस पहले मैं लिख देता हूं 2 -1 -7 3 और फिर आप ए इनवर्स माइनस एन को अंदर भेज दो, -2 1 7 -3, ये ए इनवर्स आ गया। अब हम वो इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशंस, ठीक है? तो जब मैं इन इक्वेशंस को सोल्व करूंगा, देखना बच्चों बोर्ड पर कि मैं क्या कर रहा हूं, पहले आप इसको सेपरेट करो, सेपरेट कैसे, एक्स वाई की कोफिशिएंट्स उठाओ 3 7 1 2, अब कॉलम मैट्रिक्स में एक्स और वाई और यहां पर 4 और 1, एनी डाउट बच्चों? ऐसे कर लिया, ऐसे पहले भी किया था, अब समझ लो आप इसको, इसको बच्चों याद करो मैंने क्या बोला था, ए एक्स बी इज इक्वल टू बी, याद करो, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया था अभी तो किया हुआ, तो यहां से क्या आ गया था बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, क्लियर? फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था यहाँ पर कि इनवर्स के कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बनाओ फिर ट्रांसपोज करो, तुमने वो सारा काम किया, वो काम नहीं करना, क्योंकि लिखा हुआ है इस इनवर्स का यूज करो, जो पहले इनवर्स निकालना है उसका यूज करो, यूज इट, use it to solve these two equations. समझ आ रही मेरी बात? नोट करने की बजाय बोर्ड पर देखो, जो मैं बार-बार स्ट्रेस दे रहा हूं, फिर तुम बाद में पूछोगे सर ये कैसे हुआ, यूज इट यानी जो इनवर्स तुमने पहले निकाला है उसका यूज करो, क्लियर? अब बताओ मुझे तुम्हारे में से कौन स्मार्ट बच्चा मुझे बताएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे ए इनवर्स कौन सा, ये इनवर्स उठा के मालूम दूं, फिर A इनवर्स इनटू B मैं क्या करूं, मैं मुझे बताओ, A इनवर्स की वैल्यू निकाल रखी है, वही कह रही है कि सर आपने A इनवर्स की वैल्यू ये निकाल रखी है, ये वैल्यू उठाकर यहाँ लगाओ और B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वही कह रही है, क्या वो सही कह रही है, क्या वो सही कह रही है, वो कह रही है कि A इनवर्स को उठाकर यहाँ रख दो और
b से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वो सही कह रही? अच्छा चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी दोनों आपस से देखो, क्या मुझे a लिखना चाहिए? ये a मैट्रिक्स है मेरी, क्या ये भी a मैट्रिक्स, दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है ना, दोनों सेम नहीं है ना, तो मैं इसको a लिखना भी गलत है ना मेरे लिए, मुझे नहीं लिखना चाहिए था ये। मैं इसको कर देता हूँ P, क्या कर देता हूँ बच्चों? P, कोई और मैट्रिक्स है नहीं ये, तो बताओ यहाँ पर क्या बन गया P इनवर्स। अब बताओ क्या मैं इस A इनवर्स को उठा के यहाँ लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो मैट्रिक्स ही कोई और है। This P is not equal to A. आपने आई क्यू का यूज करो, क्या P मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के बराबर हो सकती है किसी तरीके से? चलो दोनों में रिलेशनशिप क्या है? ट्रांसपोज, ध्यान से देखो, P मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स। अगर बच्चों अगर P मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, P इज इक्वल टू A डैश, P इज इक्वल टू A डैश, तुम्हें क्या चाहिए? P इनवर्स। तो P इनवर्स जो होगा वो A इनवर्स का ट्रांसपोज ही तो होगा। अगर P मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो जो P इनवर्स होगा ना वो इस A इनवर्स का ट्रांसपोज ही तो होगा। जो A इनवर्स तुमने निकाला है उसका ट्रांसपोज कर दो, P इनवर्स आ जाएगा। P इज द ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स, तो P इनवर्स इज द ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स, याद रहेगा। अब आप बच्चों P इनवर्स इज इक्वल टू, बताओ A इनवर्स क्या है बच्चों? A इनवर्स तुमने निकाला था ना, इसका ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये होगा P इनवर्स। ये P इनवर्स आप यहां पर लगाओ, क्वेश्चन समझ आया? क्यों क्यों बेटे? क्योंकि ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है, तो A इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा ना वो P इनवर्स होगा। ये बात इंग्लिश में लिख लो, ये बात सारी बात बच्ची, जो बातचीत है बच्चों ये बात अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लो सारी बात। तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? P इनवर्स इनटू b। तो x का मतलब क्या हो गया? x का मतलब हो गया x और y दो ही है यहाँ पर, और p इनवर्स बच्चों -2, 7, 1, -3, और b मैट्रिक्स है मेरे पास 4 और 1। b मैट्रिक्स बच्चों मैंने यहाँ से उठाई है, ये वाली 4 और 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि यहाँ पर 2/1 टू रोज वन कॉलम में क्या आता है? टू रोज वन कॉलम में क्या आता है बताओ? -8 और +7, -1 और 4 और -3, 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपके पास? -1। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्रॉस चेक कर लिया करो, यहाँ ना पुट कर दिया करो, क्या तुमने सही किया है क्रॉस चेक करने के लिए? सुन लो इधर, x की वैल्यू -1 पुट करना बच्चों यहाँ पर, -3 + 7, 4, यहाँ भी पुट करो -1 और +2, 1। तो इसका क्रॉस चेक करना जरूरी है, यहाँ पुट करके देख लो ना x और y, अगर जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है एग्जाम में, अगर तुम श्योर नहीं हो ये वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रही है तो ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है?